कहानी है पांडव और कौरव की। आपको ये तो पता ही है कि कौरव 100 थे, धृतराष्ट्र के लड़के थे, पांडव सिर्फ 5 थे, पांडु के लड़के थे, धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे। पांडव जो है वो पहले जंगल में रहते थे अपने पिता और अपनी माताओं के साथ, लेकिन जब से उनके पिता की और माता माद्री की मृत्यु हुई उसके बाद वो लोग अपनी दूसरी माता कुंती के लेके यहाँ पर आ गए थे, अपने अंकल के यहाँ पर। अब ये जो कौरव थे वो वैसे थे तो इनके कजिन ब्रदर्स पांडव के, लेकिन फिर भी इनको बहुत तंग करते थे, चिढ़ाते थे, छेड़ते थे, परेशान करते थे। अब इन सब के जो ग्रैंडफादर थे भीष्म, वो चाहते थे कि पांडव यहाँ पर खुश रहे, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। वो चाहते थे कि ये सब 105 भाई मिलजुल कर रहे। तो उन्होंने 105 भाइयों के लिए एक दिन दावत रखी, अलग अलग तरीके का पकवान बनाया गया, सबको बुलाया गया, सब लोग आए बैठे, सबको खाना परोसा गया। लेकिन उसी टाइम भीष्म पिता ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने हाथ को मोड़ेगा नहीं, ऐसे मोड़ के नहीं खा सकता, एल्बो फोल्ड नहीं कर सकता। सब लोग गहरी सोच में पड़ गए कि ऐसे तो खाना कैसे खाएंगे। अब खाना इतना अच्छा रखा हुआ था, परोसा हुआ था, खुशबू आ रही थी, तो कुछ लोगों से नहीं रहा गया, कुछ ने ऐसे हवा में उछाल के खाने की कोशिश की, तो सब कपड़े खराब हुए, फेस खराब हुआ, मतलब ये सही तरीका नहीं था। कुछ लोगों ने ऐसे डायरेक्ट झुक के खाने की कोशिश की, उसमें भी नहीं खा पाए, गरम गरम खाना था, फेस जल गया, आँख में खाना चला गया, मतलब ये भी सही तरीका नहीं था। सब लोगों ने कहा भीष्म पितामह से कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये इस तरीके से कोई खा ही नहीं सकता है, मुमकिन नहीं है ये। फिर युधिष्ठिर जो पांडव में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने हाथ को मोड़े बिना निवाला उठाया और कौरव में सबसे जो बड़े भाई थे दुर्योधन, उनको खिलाया। फिर सब ने इस तरीके से एक दूसरे को खिलाया, सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया। मोरल ऑफ द वीडियो इज, लाइफ में करियर में ऐसे बहुत सारे काम आते हैं जो हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मैं मेरा उसमें से बाहर नहीं आते हैं। मेरा काम, मेरी सक्सेस, मेरा फॉर्मूला, मेरा टारगेट, उसमें से बाहर नहीं आते हैं। अगर उससे बाहर जाए तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, टीम को साथ लेके हम ऐसे ऐसे चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इस कहानी के अंदर भी आपने देखा कि युधिष्ठिर ने टीम वर्क का फॉर्मूला यूज़ किया, बाकी जो लोग फेल हुए थे शुरू में, जो जल गए थे, कपड़े ख़राब कर लिए थे, उन्होंने सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोचा, अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं देखा कि बाजू में मेरा भाई भी भूखा बैठा है। अगर वहाँ तक सोच जाती तो ये आइडिया ज़रूर आता कि मैं नहीं खा सकता तो क्या हुआ, उसको तो खिला दूँ, ये आइडिया आता। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब तक हम मैं में से हम में नहीं आ जाते हैं तब तक काफ़ी सारी सक्सेस ऐसी होती है जो हमको मिल सकती है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सो दिस इज़ द मोरल, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम छोटी छोटी कहानियों के थ्रू बड़े बड़े मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले वीडियोस में, फ्यूचर में, हम आपको हर तरीके की स्टोरी सुनाने वाले हैं, लाइक हॉरर शॉर्ट स्टोरीज विथ क्राइम्स एंड ऑल। तो ये तो शॉर्ट स्टोरीज विथ मोरल है, लेकिन इसके अलावा बड़ी स्टोरीज भी आएगी, मोटिवेशनल स्टोरीज भी आएगी, बायोग्राफीज भी आएगी, तो हर तरीके की स्टोरी हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। तो अगर आपको हमारा नरेशन अच्छा लगता है, हमारी बातें कहीं ना कहीं पर आपके दिल को छू रही है, आपको वो सीखने मिलता है, तो वीडियो को देखिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।